1960 के दशक में आई हरित क्रांति के बाद कृषि जगत में बड़ा बदलाव आया था, जिसमें खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ था और फसलों में नाइट्रोजन का पोषण बढ़ाने के लिए यूरिया हर किसान के लिए जाना पहचाना नाम बन गया, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली। आज के समय में भारत के किसानों को जानकारी की कमी होने की वजह से ये पता नहीं चल पाता है कि मिट्टी को किस पोषक तत्व की जरूरत है। यहाँ किसानों को मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा का अंदाजा नहीं चल पाता। वहीं चीन और अमेरिका जैसे कई और देशों के किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। ये जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक और दुनिया के जाने माने कृषि वैज्ञानिक RS परोदा ने। श्री परोदा सैगल फाउंडेशन और मोजैक कंपनी की तरफ से आयोजित यंग साइंटिस्ट अवार्ड के समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RS परोदा ने बताया कि किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी नहीं है। अगर किसान आधुनिक तरीके से खेती करें तो उनको काफी फायदा होगा। इन्होंने कहा कि इसके लिए भारत की युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में आगे लाना होगा, ताकि वो तकनीकी एजेंट और इनपुट सप्लायर्स का रोल निभाकर किसानों की जानकारी में कमी ना आने दें। जब तक किसानों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक किसान आधुनिक खेती के बजाय परंपरागत तरीके से खेती करते रहेंगे, जिससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। किसान को अच्छी कृषि के लिए अच्छी नॉलेज की आवश्यकता है, ताकि वो विभिन्नता खेती में ला सकें, आधुनिक तरीके से खेती कर सकें और उसके साथ साथ ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। खेती में विभिन्नता, आधुनिकता और स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की तरफ जाने की आवश्यकता हो गई है। इसमें हमें कृषि में युवा पीढ़ी को आगे लाना होगा, युवा पीढ़ी को सक्षम करना होगा कि वो ज्ञान को पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी एजेंट्स और इनपुट सप्लायर का रोल अदा करें, और जो नॉलेज है उसमें कोई डिसेमिनेशन लॉस ना होने दें। आधुनिक कृषि में वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों की भी सोच की अहमियत को समझाते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री JC कटियाल ने कहा कि कृषि में बदलाव लाने के लिए किसानों को परंपरागत कृषि में विज्ञान को शामिल करना होगा। इन्होंने कहा कि अगर वैज्ञानिक किसानों की सोच को अपनी रिसर्च में डाल दें तो उससे किसानों का नजरिया पता चल जाएगा और किसान उसे आसानी से अपना भी लेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि किसान उन्हें बता पाएं कि वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। हमारे सिस्टम में ना बहुत हम लोगों ने किसान को अवॉइड किया है, जब हम रिसर्च करते हैं उसके लिए हमने जगह नहीं बनाई कि फार्मर की क्या सोच है। उस सोच को अगर रिसर्च में डाल देते तो हम लोग फार्मर का जो व्यू था वो पकड़ लेते और फार्मर उसको एक्सेप्ट कर लेता। दूसरा है कि फार्मर सिर्फ डेमोस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता, फार्मर के साथ मिलके काम करो, फार्मर को आपको बताएगा भाई साहब यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करो। फार्मर को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो होता है कि वो उसकी जो एग्रीकल्चर है वो एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब है कि थोड़ी लागत से ज़्यादा उपज हो। उसके लिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम, इन चीज़ों पर बिल्ट अप होना चाहिए कि फार्मर को राइट टाइम पर ही इनपुट्स मिले, राइट टाइम पे ही एडवाइस मिले, और एडवाइस वो हो जो उसके एक्चुअली सूट करती है, नॉट एडवाइस जो साइंटिस्ट को सूट करती है। कार्यक्रम में कृषि जगत के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णेंदु रे द्वारा की गई मक्के की नई वैरायटी पर रिसर्च के लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृष्णेंदु रे ने स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में रिसर्च करी थी, जिसके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। रे ने अपनी रिसर्च के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी रिसर्च प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए है। मेरा जो PhD का रिसर्च था वो था एक्चुअली साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इन हाइब्रिड रबी मेज कल्टीवर्स। सो एक्चुअली हम लोग जो किए थे कि एक नया टूल था, एक नया मॉडल था न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट, उसको हम लोग वैलिडेट किए फील्ड कंडीशन में विद इन द फार्मर्स फील्ड, और उसके बाद हम लोग उसके बेसिस पे वहाँ पे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है उसका व्यवस्था किए थे, और साथ में जो हमारा जो मेज प्लांट है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, 3 मेजर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो कैसे अपटेक होता है प्लांट बॉडी में थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, थ्रू डिशेल कॉब, थ्रू मेज हास्क,
through maize grain, through maize stem, maize leaf in different plant parts, how they get remobilized and the remobilization make the contribution towards grain nitrogen, grain phosphorus, grain potassium. This was the main importance in my study. इस पुरस्कार की योजना उर्वरक बनाने वाली अमेरिका की मशहूर मोज़ेक कंपनी ने भारत में खेती के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर की। सहगल फाउंडेशन हरियाणा, राजस्थान और बिहार के बहुत से गांवों में किसानों और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही है।